हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरा पार्ट वन वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए क्या, क्योंकि उसमें मैंने आई ड्राइंग्स की पूरे स्ट्रक्चर को काफ़ी अच्छी तरह से समझाया हुआ है। तो चलिए अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हेयर्स जो है पूरे डार्क दिख रहे हैं, तो इसको मैं 8B पेंसिल स्टेडलर की है, जो उससे मैं पूरे डार्क कर रहा हूँ। इसको जो हाईलाइट एरिया है उसको हाईलाइट ही रहने दे रहा हूँ। ड्राइंग में जितना ही आप ऑब्जर्वेशन करेंगे उतना ही अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। व्हाइट हेयर ड्रॉ करने के लिए मैं हमेशा एक सिंपल मेथड का यूज़ करता हूँ कि देखिए, जितना डार्क एरिया है उसको डार्क बना लूँगा, डॉट डॉट्स बनाना है तो भी बना लूँगा, उसके बाद शेड कर लूँगा, उसके बाद टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर से वाइट एरिया को वाइट बना लूँगा, मतलब कि वाइट हेयर को ड्रॉ कर लूँगा। उसके बाद दोबारा से जो वाइट हेयर मैंने जो टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर से जो वाइट किया है उसको हम पेंसिल से उसके बैकग्राउंड को बना लेंगे, मतलब कि उसकी परछाई। हर एक हेयर्स की परछाई होती है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान में रखिए ये बात। देखिए, ईयर्स में भी हम जो डार्क एरिया है उसको ही केवल शेड कर रहा हूँ मैं, और बाकी का जो लाइट एरिया है वो तो जैसे ही अपना जो डर्टी ब्लेंडिंग टूल होता है, मतलब कि जो शेड करके थोड़ा डर्टी हुआ होता है उससे ही हो जाता है। देखिए, टिश्यू पेपर का भी मैं बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कि जितना भी लेयर पे लेयर आप बनाते जाएंगे, जितना ही ड्रॉ करते जाएंगे, आपका स्केच उतना ही अच्छा अच्छा बनता जाएगा। आपने एक बार शेड कर लिया, वापस से अगर दूसरी बार शेड करेंगे, वहाँ पे डार्क एरिया है उसको डार्क करेंगे और जो लाइट एरिया है उसको थोड़ा लाइट करेंगे, तो उतना ही आपका ड्राइंग निखरता जाएगा। पेशेंस से काम लेना है, जो ये स्किन स्ट्रक्चर है उसको भी बना लेते हैं हम। हल्के हाथों से डॉट्स 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 लगा देना है, फिर सेट कर लेना है, मतलब एक प्रक्रिया आपको 2-3 बार करनी है, तब जाके स्किन रियलिस्टिक लगती है। देखिए, नोज के नीचे का भाग थोड़ा डार्क है तो इसको मैं डार्क कर रहा हूँ, और बाकी के लाइट एरिया को हल्के हाथों से शेड कर रहा हूँ। वाइट हेयर्स हमेशा मैं ऐसे ही बनाता हूँ कि पहले पूरे फेस को शेड कर लेता हूँ, पूरे मतलब कि जितने भी एरिया में हमको वाइट हेयर्स बनाने हैं उतने एरिया को मैं शेड कर लेता हूँ। उसके बाद टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर से या कोई भी इरेजर से जो अच्छा है उससे हम वाइट हेयर्स ड्रॉ कर लेते हैं, और उसके बाद लास्ट में मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करता हूँ, जो हेयर्स होता है उसको परछाई को बनाने के लिए। बहुत बारीकी से आपको समझना पड़ता है वो ये सारी चीज़ें, जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे वैसे वैसे समझते जाएंगे। देखिए, इसको मैं भी हल्के हाथों से शेड कर रहा हूँ। मैं ज़्यादातर कॉटन बर्ड का यूज़ करता हूँ, टिश्यू पेपर से जो लार्ज एरिया है उसको सेट करना होता है, और जो छोटा एरिया है उसमें मैं कॉटन बर्ड का यूज़ करता हूँ, क्योंकि ब्लेंडिंग स्टफ से अच्छा टूल्स मुझे लगता है, क्योंकि ब्लेंडिंग स्टफ में क्या होता है, थोड़ा ठीक हार्डनेस ज़्यादा होता है तो प्रेशर अप्लाई हो जाता है उसके ऊपर, जिसकी वजह से उस पर रियलिस्टिक लुक लाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि कॉटन बर्ड से काफ़ी अच्छे से हल्के हाथों से आप करेंगे तो बहुत ही अच्छे से स्किन को ड्रॉ कर पाएंगे। देखिए, मैकेनिकल पेंसिल है जिससे मैं वाइट हेयर्स को जो बैकग्राउंड रहता है उसका वो बना रहा हूँ। ऐसे ही हल्के हल्के हाथों से आपको शेडिंग करना है, एक बार पूरे एरियाज को सेट कर लेना है, उसके बाद
उसके बाद जहाँ भी डार्क एरिया है उसको डार्क करना है, जहाँ पे लाइट एरिया है उसको इरेजर से थोड़ा इरेज करके ठीक करना है। आप अपनी फिंगर का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं भी यूज़ करता ही हूँ। फिंगर से क्या होता है कि फिंगर से आप जितना फिंगर का यूज़ करेंगे आपके ड्राइंग का लुक्स एकदम रियलिस्टिक लगेगा। मेरा कहने का मतलब है कि फिंगर से एकदम ब्लेंडिंग काफ़ी स्मूथ हो जाता है, मतलब कि जहाँ पे भी आपको स्मूथ शेडिंग चाहिए वहाँ पे आप फिंगर का यूज़ करिए। ये जो नीचे का डार्क एरिया है उसको डार्क कर रहे हैं हम। देखिए इस ईयर को भी मैंने जो डार्क एरिया है उसको ही शेड कर रहा हूँ, मैं अभी उसको ही पेंसिल का स्ट्रोक लगा रहा हूँ। मतलब कि एक ही चीज़ के पीछे आप दो तीन बार शेडिंग करेंगे, उसको डार्क एरिया को डार्क करेंगे, उसके बाद उसको टिश्यू पेपर से शेडिंग कर लेंगे। मतलब कि टिश्यू पेपर से आप जब चीज़ शेडिंग करें उसके बाद आप पेंसिल का स्ट्रोक लगाए डार्क एरियाज में तो काफ़ी रियलिस्टिक लुक आएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और